गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज हमारे सामने खड़ी है 2024 की लेटेस्ट अपनी महिंद्रा XUV 3XO और ये जो हमारे सामने वेरिएंट खड़ा हुआ है वो है आपका डीजल का MX3 Pro और कलर है इसका नेबुला ब्लैक। तो आज की इस वीडियो में जो है इसके बारे में डिटेल में बात करने वाले, सारी चीजों के बारे में जो मैं आपको बताने वाला हूं, इसकी एक शोरूम ऑनर कॉपी मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। X3 Pro वेरिएंट के अंदर आपको जो है ना आगे की तरफ पूरा अपना LED लाइट का सेटअप देखने को मिल जाता है और साथ ही साथ यहाँ पे आपको पीछे की तरफ जो है ना LED की कनेक्टेड टेल लाइट भी देखने को मिल जाती है। तो ये देखो, ये देख रहे हो पूरा LED कनेक्टेड टेल लाइट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, आगे के लुक से पूरी बात करना स्टार्ट करते हैं। भाई हल्की सी गाड़ी गंदी हो रही है, प्लीज इस चीज को इग्नोर करिएगा क्योंकि ये जो है अभी स्टॉकयार्ड में खड़ी है, बारिश पड़ रही है और यहाँ पे मानसून का सीजन है तो इस चक्कर में थोड़ी सी गंदी हो रही है, इस चीज को इग्नोर करिएगा। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, गाड़ी को करता हूँ बंद। सबसे पहले बात कर लेते हैं चाबी की, तो कुछ इस तरीके की चाबी आपको देखने को मिलती है। लॉक का बटन है, अनलॉक का बटन है और यहाँ पे अपना हुड खोल, अपना पीछे का बूट खोलने के लिए बटन देखने को मिलेगा। फ्लिप की आपको देखने को मिल जाती है, इसके अंदर आपको पैसिव एंट्री का ऑप्शन देखने को नहीं मिलेगा, आपको चाबी अंदर लगा के स्टार्ट करनी पड़ेगी। तो इस चाबी का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है इस गाड़ी के लिए। उसके बाद अगर सबसे पहले आगे खड़े तो यहाँ पे इंजन की भी बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है 1500cc का डीजल इंजन। तो मैं आपको चाउड कराता हूँ, वो है ये, यहाँ पे आपको 4 सिलेंडर वाला अपना डीजल इंजन देखने को मिलेगा। करेंगे इसको वाइड एंगल पर, बादल देखना भाई कितने प्यारे लग रहे हैं। चलो वापस आओ, यहाँ पे आपको 1500cc का अपना डीजल इंजन देखने को मिलेगा, 115 bhp और 300 Nm का टॉर्क आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है इस गाड़ी के अंदर। ठीक है, यहाँ पे आपको एक साइड की बैटरी देखने को मिलेगी और देखो कितना बड़ा यहाँ पे DEF का फंक्शन लगा हुआ है। ये है अपना इंसुलेशन और बाकी सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। कर दिया प्रॉपर थर्ड के साथ बंद, ये अपने जो इंडिकेटर्स है वो भी थोड़ी सी देर में बंद हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद अगर बात की जाए यहाँ पे तो आपको पूरा LED लाइट का सेटअप देखने को मिलेगा, महिंद्रा LED। यहाँ पे आपको LED लाइट का सेटअप देखने को मिलता है, ऊपर आपको प्रोजेक्टर मिलेगा LED का, नीचे की तरफ आपको फॉगलाइट का ऑप्शन देखने को मिलेगा। फॉगलाइट मिलती नहीं है, आप चाहे तो लगवा सकते हैं, ऐसी फॉगलाइट आप इसमें लगवा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको आगे की तरफ कुछ इस तरीके की ग्रिल देखने को मिलेगी, ब्लैक कलर की, नेबुला ब्लैक कलर, इस पर बहुत ही प्यारा लग रहा है 3XO पे। उसके बाद यहाँ पे आपको टोइंग हुक का ऑप्शन देखने को मिलेगा, अपने जो अपना जो इंटरकूलर है और अपना जो रेडिएटर है वो आपको एक्सपोज टाइप का देखने को मिल जाता है। उसके बाद ग्रिल की बात करें तो कुछ इस तरीके की ग्रिल है, बढ़िया लग रही है देखने में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आते हैं साइड प्रोफाइल पे, तो कुछ इस तरीके की यहाँ पे आपको साइड प्रोफाइल देखने को मिलेगी। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, यहाँ पे अगर मैं टायर साइज की बात करूँ तो यहाँ पे आपको अलॉय नहीं मिलता है पहले तो। उसके बाद अगर मैं टायर साइज की बात करूँ तो भाई ये तो गंदा हो रहा है, इस पे से देखना पड़ेगा कहाँ है इसका टायर साइज। तो इसका टायर साइज आपको देखने को मिलेगा 205/65R16 का, 16 इंच का यहाँ पे आपको टायर देखने को मिलता है। आपको फ्लेक्स व्हील टाइप का लुक देखने को मिलेगा, आगे आपको डिस्क मिलेगी, पीछे की तरफ भी आपको यहाँ पे डिस्क देखने को मिल जाएगी। डीजल वेरिएंट के अंदर आपको दोनों ही पहियों में अपनी डिस्क देखने को मिलती है, व्हील आर्क, साइड में स्कर्टिंग। ठीक है, उसके बाद आगे भी आपको व्हील आर्क देखने को मिलेगा। उसके बाद अगर बात करूँ ना पिलर की, तो आगे का पिलर आपका ब्लैक डॉट नहीं है लेकिन बी पिलर और सी पिलर आपका ब्लैक डॉट टाइप का है। मैं कैसे बता रहा हूँ, ये चीज़ देख रहे हो, टेपिंग लगी हुई है यहाँ पे, ये MX3 के अंदर आपको यहाँ पे ब्लैक कलर की टेपिंग वगैरह ट्रीटमेंट देखने को मिल जाता है अपने पिलर्स के ऊपर। ऊपर की तरफ आपको यहाँ पे सनरूफ मिल जाएगी, एरियल एंटेना मिल जाएगा। उसके बाद अगर बात करी जाए OR बीम्स की, तो OR बीम्स आपकी इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल है लेकिन फोल्डेबल नहीं है, ये आपको हाथ से ही बंद करने पड़ेंगे और हाथ से ही खोलने पड़ेंगे। उसके बाद यहाँ पे इंडिकेटर आपको OR बीम पे देखने को मिल जाएगा। आएंगे कि पीछे की तरफ, तो कुछ इस तरीके के यहाँ पे आपको पीछे की तरफ के लुक्स देखने को मिलते हैं। यहाँ पे आपको कनेक्टेड टेल लाइट देखने को मिल जाएगी, ऊपर की तरफ आपको एरियल एंटेना, उसके बाद यहाँ पे आपको हाई माउंटेड स्टॉपिंग लैंप, पूरी कनेक्टेड टेल लाइट आपको देखने को मिलेगी, हेलोजन में इंडिकेटर, हेलोजन में ब्रेक लाइट और हेलोजन में आपको रिवर्स लाइट देखने को मिलेगी। इंडिकेटर आपको LED के अंदर देखने को मिलेगा, 2 रिवर्स पार्किंग सेंसर मिलेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको रिफ्लेक्टर, नीचे की तरफ आपको ब्रश ग्रे फिनिश में बम्पर की लिप देखने को मिल जाती है। यहाँ पे डिटेल्स देखी हुई है, 3XO MX3 Pro डीजल मैनुअल ट्रांसमिशन। ठीक है, अगर मैं बात करूँ यहाँ पे बूट के साइज की, तो वो आपको देखने को मिलेगा 364 लीटर का, ये देख रहे हो इस तरीके से खुल जाता है। 60-40 का स्प्रेड की सीट का ऑप्शन है। यहाँ पे आपको तीसरी हेडरेस्ट देखने को नहीं मिलेगी। उसके बाद अगर बात की जाए स्पेयर टायर की, तो रन फ्लैट टायर आपको देखने को मिलता है। ठीक, टूल किट वगैरह आपको देखने को मिलेगी, इस तरीके से कहानी हो जाती है। पीछे आपको लाइट वगैरह देखने को नहीं मिलती, चाहे तो इसको पकड़ के यहाँ से बंद कर सकते हैं, इधर खुलने का ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, इस तरीके से कहानी हो जाती है। आते हैं दूसरी तरफ, 42 लीटर का आपको यहाँ पे डीजल टैंक देखने को मिलेगा, 40 लीटर का कह लीजिए इसको। ठीक है, उसके बाद अगर बात करी जाए यहाँ पे अंदर की तरफ, तो कुछ इस तरीके का यहाँ पे इंटीरियर है, इधर की तरफ बाद में आएंगे। यहाँ पे को पैसेंजर साइड आपको कोई भी अलग ट्रीटमेंट देखने को नहीं मिलने वाला है। ठीक है, सारी चीज़ें नॉर्मल है। अब पीछे का स्पेस चेकआउट कराता हूँ मैं आपको,
तो ये है भाई इसका स्पेस, यहाँ पे इस तरीके का स्पेस आपको देखने को मिलता है, ठीक ठाक स्पेस। यहाँ पे आपको बॉटल होल्डर मिल जाएगा, सेंटर में आपको एसी वेंट, नीचे की तरफ आपको सी टाइप, थोड़ा सा स्पेस। यहाँ पे आपको 12 वोल्ट चार्जिंग सॉकेट, ऊपर की तरफ हैलोजन में एक लाइट, ग्रैब हैंडल विद हुक, ग्रैब हैंडल विद हुक। सेंटर में अपनी यहाँ पे इस तरीके से सनरूफ है, और आगे की तरफ बात कर लेंगे। स्पीकर्स देखने को मिल जाएंगे आपको, और ये हो जाती है इसकी कहानी। एयरबैग्स आपको 6 देखने को मिलेंगे। सेंटर में आर्मरेस्ट आपको देखने को नहीं मिलता है, हर सीट पे सीट बेल्ट रिमाइंडर भी आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो उसके बाद अगर मैं डोर की बात करूं, तो डोर पे अपना डुअल टोन देखने को मिलेगा, ब्लैक और बेज। यहाँ पे आपको मैट फिनिश मिलेगी। यहाँ पे अपना जो कंट्रोल्स है पावर विंडो के, वो बॉटल होल्डर, मैगजीन होल्डर आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है। बेसिक चीज़ है, सारी देखने को मिल जा रही है। अब बात करते हैं थोड़े से गाड़ी के डायमेंशन के, लंबाई चौड़ाई के बारे में। अगर मैं इस गाड़ी की लेंथ की बात करूँ, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी 3990 mm, 3940 mm यहाँ पे अपनी जो है लेंथ है। वहीं अगर मैं इसके व्हील बेस की बात करूँ, तो यहाँ पे आपको व्हील बेस देखने को मिलता है अपना 2600 mm, 2600 mm का यहाँ पे आपको व्हील बेस देखने को मिल जाता है, ठीक है। 42 लीटर का अपना यहाँ पे जो है आपको फ्यूल टैंक देखने को मिलेगा, और यहाँ पे 364 लीटर की अपनी यहाँ पे जो है बूट स्पेस देखने को मिल जाती है। अब चलते हैं गाड़ी के अंदर, ये रही चाबी, गाड़ी को करा अनलॉक। इस तरीके से यहाँ पे आपको डोर पैनल देखने को मिलता है। यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट देखने को मिलेंगे, पावर विंडो के कंट्रोल्स, लॉक अनलॉक का ऑप्शन है, बॉटल यहाँ पे ग्रैब करने के लिए ऑप्शन है, ये चीज़ हार्ड है। यहाँ पे दो बॉटल होल्डर, और यहाँ पे आपका मैगजीन होल्डर, रिफ्लेक्टर आपको देखने को मिलेगा, हाइट एडजस्टमेंट रही है, रिक्लाइन का ऑप्शन है, आगे पीछे करने का ऑप्शन है। गाड़ी के अंदर बैठते हैं और करते हैं गाड़ी को स्टार्ट। अगर आपने ध्यान दिया हो तो इसके अंदर आपका क्लच लॉक नहीं है, गाड़ी डायरेक्ट आप स्टार्ट कर सकते हैं अगर आपकी गाड़ी न्यूट्रल पे है तो। गर्मी बहुत ही ज़्यादा हो रखी है भाई इस टाइम, थोड़ा सा जल्दी से मैक्स एसी का ऑप्शन आपको यहाँ देखने को मिल जाता है, जल्दी जल्दी से थोड़ा सा इसको नॉर्मल होने देते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं, धीरे धीरे गाड़ी अपनी नॉर्मल होती जा रही है, ठंडी ठंडी हवा आना स्टार्ट हो गई है, थोड़ा सा ब्लोअर को कम कर लेते हैं, ठीक है। अब सही है, सबसे पहले यहाँ पे बात करी जाए तो यहाँ पे आपको एड्रेनॉक्स नहीं मिलता है, नॉर्मल अपनी एंड्रॉइड वाली स्क्रीन है, ठीक है। यहाँ पे आपको बतेरी चीज़ें लेकिन इसके अंदर देखने को मिल जाएंगी, जैसे कि अगर आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले भी देखने को मिल जाएगा। उसके बाद बात करी जाए तो यहाँ पे थोड़े से फिजिकल बटन्स है जिससे आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आपको कुछ फंक्शंस देखने को मिलेंगे, एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले देखने को मिलेगा, फ्यूल इन्फो, डिटेल इन्फो, सारी चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हैं। देखिए 99-100 किलोमीटर की रेंज बची है, 10 km/l का माइलेज दे रही है गाड़ी, खड़ी है खड़ी, गाड़ी का डीजल कंजप्शन 10 km/l का है, ठीक है। साउंड को आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं अपने हिसाब से, यहाँ पे अपने हिसाब से उसको जो है सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। अगर मैं टच की बात करूँ रिस्पांस की, तो अच्छा रिस्पांस है, कोई दिक्कत नहीं है ऐसे जिसमें। उसके बाद यहाँ पे एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले भी देखने को मिलता है। नीचे की तरफ अपना यहाँ पे एसी देखने को मिलेगा, मैनुअल एसी है, ऑटोमेटिक एसी नहीं मिलता आपको। कुछ बटन्स हैं यहाँ पे, आपको स्टीयरिंग के मोड्स के लिए अलग अलग बटन देखने को मिलेंगे, जैसे कि आप नॉर्मल मोड, स्पोर्ट्स मोड और अपना कम्फर्ट मोड पर भी यहाँ पे सेट कर सकते हैं। यहाँ पे अंदर की स्क्रीन को चलाने के लिए बटन्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, सेट और ट्रिप के। यहाँ पे तो आप इनका यूज करके अपने यहाँ पे चीजें चौड़ कर सकते हो, तो मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, तो ये देखिए यहाँ पे आपको ट्रिप भी दिख रहा है। उसके बाद यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा डिस्टेंस टू एम्प्टी, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा अपना डिजिटल स्पीड। अगर आप इसको दबा के रखेंगे ना सेट वाले बटन को, तो यहाँ पे आपकी जो लाइट्स हैं वो ऑफ हो जाएंगी, यानी कि जो अपने क्लस्टर पे जो लाइटें आ रही हैं वो बंद हो जाएंगी, इस तरीके से दिखाई देगा, ठीक है। ये देखो इस तरीके से दिख रहा है। अगर आप जैसे ही इसको दोबारा से दबाएंगे बटन को, तो अपनी लाइट्स ऑन हो जाएंगी। DEF का लेवल आपको देखने को मिलेगा, ये सेटिंग्स का एंटर करने का बटन है। यहाँ पे अपना टेम्परेचर मीटर है, यहाँ पे अपना फ्यूल मीटर है, यहाँ पे अपना स्पीडोमीटर है, यहाँ पे अपना RPM मीटर। वार्निंग सारी अंदर की तरफ छपी हुई है सारी की सारी, ऊपर की तरफ टाइम, यहाँ पे टेम्परेचर आपको देखने को मिल जाएगा। मिनिमलिस्टिक डिजाइन है, कोई दिक्कत नहीं है आपको देखने में आने वाली है। यहाँ पे आपको मिलेंगे अपने वाइपर के कंट्रोल्स, रियर वाइपर नहीं आता है, यहाँ पे अपने मिलेंगे लाइट के कंट्रोल्स, आगे आपको LED हेडलाइट देखने को मिल जाती है। क्रूज कंट्रोल यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे, अपने इंफोटेनमेंट सिस्टम के कंट्रोल। उसके बाद बात करी जाए तो यहाँ पे मिलेगा आपको इस तरीके से टेलीस्कोपिक, आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलने वाला है। इधर की तरफ कुछ और बटन है, जैसे कि आपका स्टार्ट स्टॉप का बटन है, आइडल स्टार्ट स्टॉप। यहाँ पे आपको मिलेगा अपना ट्रैक्शन कंट्रोल, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा हेडलाइट लेवल एडजस्टर। उसके बाद पेडल्स की बात करी जाए तो कुछ इस तरीके के पेडल्स आपको देखने को मिलेंगे, स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन डीजल के लिए। और अगर मैं क्लच की थ्रू की बात करूं तो हल्का सा आपको लंबा लगने वाला है। यहाँ पे आपको मिलेगा पैड, चार्जिंग पैड देखने को मिल जाता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको एसी के कंट्रोल्स, ये कुछ इस तरीके से एसी के कंट्रोल्स हैं, बड़ा ही अच्छा लगता है देखने में। उसके बाद यहाँ पे कुछ और आइडल बटन्स हैं, यहाँ पे आपको मिलेगा हैजर्ड लाइट के लिए बटन, यहाँ पे आपको एसी वेंट्स के अराउंड ग्लॉस ब्लैक के फिनिश के बाद यहाँ पे आपको सिल्वर की फिनिश भी देखने को मिल जाएगी। मैनुअल हैंडब्रेक है, दो यहाँ पे कप होल्डर है, थोड़ा सा यहाँ पे आपको स्पेस देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको फिर से ग्लॉस ब्लैक की फिनिश
देखने को मिलेगी इस तरीके से, सॉफ्ट ओपनिंग वाला। यहाँ पे आपको ग्लव बॉक्स देखने को मिल जाता है, यहाँ पे मिलेगा आपको IRVM डे एंड नाइट वाला है, यहाँ पे मिलेगा आपको सनग्लास होल्डर, हेलोजन, यहाँ पे आपको सनरूफ के साइज की बात की जाए तो डिसेंट साइज की है, इसको बंद कर देते हैं वापस से, इसको होल्ड करके रखना पड़ता है। उसके बाद अगर बात करी जाए यहाँ पे, अगर बात करें तो यहाँ पे आपको वैनिटी मिरर मिलेगा, लाइट नहीं मिलेगी, AX5 में जाना पड़ेगा आपको उसके लिए, यहाँ पे आपको टिकट होल्डर देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे कहानी हो जाती है, सनशील्ड को वापस से बंद कर देते हैं, यहाँ पे आपको हेलोजन की लाइट्स देखने को मिल जाती हैं। ठीक, ये हो गई कहानी, यहाँ पे स्पीकर मिल गए आपको, सारी चीज़ें आपको कंप्लीट चीज देखने को मिल गई। अगर मैं हॉर्न की बात करूँ, पाव पाव वाला हॉर्न आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ये देखिए बढ़िया, यहाँ पे आपको पाव पाव वाला हॉर्न देखने को मिल जाता है। इस तरीके से यहाँ पे कहानी हो जाती है। अब बात करेंगे इसकी प्राइसिंग क्या रहने वाली है कि एक शोरूम कॉस्ट की बात करूँ तो एक शोरूम कॉस्ट करती है आपकी 11,13,000 रुपये, 11,13,000 रुपीज़ जो है इसकी एक शोरूम कॉस्ट है। वहीं अगर मैं इसकी ऑनरोड कॉस्ट की बात करूं तो अभी मैं हूं आगरा में, यूपी में, तो ये यहां पे आपकी ऑनरोड कॉस्ट करती है आपकी 13,44,000 रुपये, 13,44,000 रुपीज़ जो है इसकी ऑनरोड कॉस्ट है यहां आगरा में, यूपी में। तो कैसी लगी गाड़ी, कैसी लगी वीडियो में वो कमेंट में जरूर बताइएगा, और आपको डीजल का इंजन की आवाज़ कैसी लगती है वो भी आप मेरे कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, एक नई कार बाइक या गाड़ी के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।